फिरोजाबाद में भगवान श्री विश्वकर्मा जी की शोभा यात्रा समिति के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन शहर के एक मैरिज होम में आयोजित किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह झा व राम बाबू झा द्वारा बताया गया कि पूर्व कोविड के कारण भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम नहीं हो पाया, पर इस वर्ष दिनांक 17 सितंबर 2022 को बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती के उपलक्ष्य में श्री एस रिसोर्ट थारपुठा फिरोजाबाद में हवन पूजन के साथ साथ विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। प्रेसवार्ता के दौरान समिति के तमाम लोग मौजूद रहे। ये हमारी समाज के जो भगवान विश्वकर्मा जी की बहुत पहले से जयंती निकालते थे, 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, उस जन्मदिन के अवसर पर हमारे झा ओझा विश्वकर्मा समाज के लोग फिरोजाबाद में बहुत भव्य जयंती निकलती थी। ये कोरोना काल में ये सभी चीज़ें बंद हो गई तो जयंती भी निकलना मुश्किल हो गया, और निकली नहीं कोई आदेश, और आदेश लेना भी ठीक नहीं लगा क्योंकि कहीं किसी को ये अनुमति नहीं थी कि कोई जयंती निकाले, सामाजिक प्रोग्राम करे। तो जब से हमने फिर पूजन कराना शुरू कर दिया, बाउंड्रियों के बीच में पूजन, यहाँ भीड़ भाड़ कम हो ऐसा पूजन कराना शुरू कर दिया है। इसी तरह से इस साल भी हम इस वर्ष भगवान विश्वकर्मा को 17 सितंबर को यहाँ बहुत अच्छा भव्य पूजन कराना चाहते हैं। इस साल जयंती नहीं निकल पाई किसी कारणों से, तो उसमें हम अपनी गोष्ठी रखेंगे और हमारी समाज के गणमान्य लोग, और विचार विमर्श होगा, जैसे विचार होंगे वैसे ही आगामी अगली वर्ष हम जयंती के अवसर पर कार्य करेंगे। अधिकतर हमारा समाज इंजीनियरिंग लाइन से जुड़ा है, ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं, और इसीलिए सृष्टि के रचयिता जो भगवान विश्वकर्मा जी हैं उसका हम लोग पूजन करते रहे हैं, उनको अनवाई रहे हैं। पहले भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी 17 सितंबर को हम लोग निकालते रहे हैं, अब कोविड काल में वो चीज़ें नहीं हो पाई तो हम लोगों ने ये विचार किया है कि 17 सितंबर को हवन पूजन करेंगे। उस कार्यक्रम में आपके चैनल के माध्यम से समाज के सभी सभ्य लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक विचार गोष्ठी भी रखेंगे जिसमें समाज के लोगों के विचार आमंत्रित करेंगे और भगवान विश्वकर्मा जी का हवन पूजन करके उनको मनाएंगे। तथा आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों में 17 सितंबर को सरकारी छुट्टी रहती थी, इस सरकार में भगवान विश्वकर्मा की छुट्टी को निरस्त कर दिया महापुरुषों के नाम पर। तो हम कहना चाहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा महापुरुष नहीं थे, भगवान थे, क्योंकि महापुरुष के नाम पर ये छुट्टी करी गई थी निरस्त, तो अम्बेडकर साहब भी महापुरुष ही हैं। तो ये पक्षपात सा लगता है हमें कि हमारे समाज के जो आराध्य देव थे उनकी छुट्टी निरस्त न करके उनकी छुट्टी सरकारी करी जाए, जिससे कि हमारे समाज को उस दिन बंद रहेगा तो समाज के सब लोग भगवान के विश्वकर्मा को और अच्छे रूप से भव्य उनके कार्यक्रम करेंगे, और समाज में जागरूकता के लिए हम लोग तरह तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं।